प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने तमाम समर्थकों के साथ राजधानी देहरादून के गांधी पार्क गेट एक दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि दो दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की थी। पोस्ट के माध्यम से अन्य राजनीतिक दलों को भी इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई थी। हालांकि अन्य दलों की मौजूदगी में प्रदर्शन में भीड़ देखने को नहीं मिली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा में प्रदेश पूरी तरह से संतुलन खो चुका है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश की गई है, जो जग जाहिर है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड की अस्मिता को समाप्त करने के लिए हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहचान को, ऋषि मुनि की तपस्थली की पहचान को नष्ट करने के लिए यह हत्या हुई। और इस हत्या के साथ कई सवाल, कई शंकाएं, कई कुशंकाएं जुड़ी हुई है। सारा उत्तराखंड, जगह जगह अलग अलग संगठन इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और उन आवाजों में हम सबकी आवाज भी सम्मिलित है। अरे कोर्ट में चल रहा वो अलग चीज है। हम तो कह रहे हैं नाम उजागर करो, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सरकार की एजेंसी नहीं, सरकार का कोई जिम्मेदारी नहीं कि एक हमारी बेटिया, हमारी बहन की नृशंस हत्या की गई, उसको मार करके फेंक दिया गया। अरे उसको वीआईपी का नाम बदलिया तो है कि वीआईपी के लिए उस लड़की को दबा डाला जा रहा था। वो कारण ढूंढना चाह रही कांग्रेस, तो वो कारण है वीआईपी, जिसकी वजह से बच्ची की निर्सन हत्या की गई है। कलंकित हो रहा पूरा उत्तराखंड, जहाँ जहाँ मातृशक्ति का सम्मान होता है, जहाँ मातृशक्ति का सम्मान पूरे देश में, उत्तराखंड में कहते हैं महिलाएं सशक्त स्वाभिमानी है, उन्होंने राज्य बनाया है, राज्य आंदोलन में बलिदान कुर्बानी दी है, चाहे हंसा धन या बेलवती जी हों, तो इसका इतिहास है। उस इतिहास को आप झुटलाना चाह रहे हैं आज प्रदेश में, देश में हमारी थू थू हो रही सब जगह कि वो लड़की की हत्या क्यों करी, कारण बताने का मुख्यमंत्री तैयार नहीं। देखिए उस पर चूंकि स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय का आदेश आया है, माननीय न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अंकिता भंडारी कांड में हमारी तरफ से 1% भी कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उसकी चार्जशीट दाखिल हो गई है उस पर, और जो भी कार्रवाई होनी होगी वो सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी।